नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सिंघम अगेन का ट्रेलर आज कितने बजे आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करीब 11 बजे के आसपास मुंबई में अंबानी जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पे मतलब कि ये ट्रेलर इवेंट शुरू होगा। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेलर इवेंट नहीं दोस्तों, ये मुझे लगता है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ा जो पिछले कई वर्षों में जो इवेंट्स हुई है उनमें सबसे बड़ा इवेंट ये होने जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे करीब 2000 से ज्यादा अजय देवगन फैंस इकट्ठे होंगे और उनके सामने ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। इतना ही नहीं, सारे के सारे मीडिया कर्मी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी वहां पे मौजूद रहने की संभावना है। उनकी उपस्थिति में ये ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, तो काफी बड़ी इवेंट होने वाली है। सारे स्टार कास्ट वहां पे मौजूद रहने वाले है। और दोस्तों अजय देवगन सर है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार भी जो कि इस समय यूके है, मतलब कि हाउसफुल 5 की शूटिंग के लिए गए हुए है, उनके भी आने की उम्मीद है। रोहित शेट्टी चाहते हैं कि अक्षय कुमार भी यहाँ मौजूद रहे, तो स्पेशल चार्टर प्लेन से जो उनका निजी है उससे वो खुद यहाँ पे आने वाले हैं इवेंट में, ऐसी खबरें आ रही है। अब वो आते हैं या नहीं आते देखने वाली बात होगी, लेकिन डेफिनेटली रोहित शेट्टी सर जरूर चाहेंगे कि अक्षय कुमार भी इस इवेंट में मौजूद रहे। बाकी टाइगर श्रॉफ पे दीपिका पादुकोण भी शायद आ सकती है यहाँ पे, और इसके अलावा जो करीना कपूर है और अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ वगैरह सभी मतलब यहाँ पे मौजूद रहने की संभावना है। तो बहुत बड़ी ये इवेंट होने वाली है। और जहां तक मुझे ये जानकारी मिली है कि 11 बजे के करीब ये ट्रेलर मतलब ट्रेलर लॉन्च इवेंट शुरू होगा, और उसके बाद में करीब 1 या 2 बजे तक ये लगातार ये इवेंट चलेगी, और उस दौरान कभी भी ये ट्रेलर जारी किया जा सकता है। मतलब कि आप ये मानिए कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये ट्रेलर लॉन्च हो सकता है, जो कि इस सदी का एक बहुत बड़ा ट्रेलर होने वाला है। 4 मिनट 45 सेकंड का ये ट्रेलर है, जो किसी भी हिंदी फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ट्रेलर होगा। और ये एक इतिहास, एक हिस्ट्री ऑलरेडी इस फिल्म ने बना दी है कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेलर होने के मामले में। अब कितना बड़ा ट्रेलर होता है, कितना ज्यादा इससे जानकारी निकल के आती है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि ज्यादा लंबा ट्रेलर होता है तो ये संभावना हो जाती है कि स्टोरी के बारे में काफी कुछ रिवील हो जाए, काफी कुछ पता चल जाए। तो वो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऐसा नहीं हो, ट्रेलर को इस तरीके से काटा जाए कि स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चले, वरना फिल्म का इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब वहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी स्टारकास्ट है, इतने सारे स्टार्स है, सलमान खान का कैमियो भी बताया गया है, डेफिनेटली चुलबुल पांडे का, तो ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सलमान खान को यहाँ ट्रेलर में दिखाया जाएगा, टीजर में मतलब उनकी एक झलक दिखाई जाएगी या नहीं। साथ ही दोस्तों क्या कुछ और सस्पेंस, कुछ राज खुलने वाले हैं। और सभी कलाकारों की विशेषकर मास मारा जाए कि एंट्री किस तरीके से होती है, अक्षय कुमार सर की एंट्री कैसी है, ये सब कुछ दिखाने के लिए इनको थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। और वैसे भी रोहित शेट्टी अमूमन अपनी जो पिक्चर है उसका ट्रेलर ज्यादा ही लंबा ही बनाते हैं। तो बहुत बड़ी फिल्म है, हैटर्स खामोश है, सब शांत बैठे हैं, बुलबुल F3 का ट्रेलर पोस्टपोन हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा ये इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और डेफिनेटली मजा आएगा। और ये मेरा मानना है कि 1 से 2 के बीच में कभी भी ये ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। ऑफिशियल टाइम अभी तक इनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में कभी भी ये ट्रेलर जारी हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम जी बोलना।